हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं हम यूपीएससी के पिछले प्रश्न पत्रों की चर्चा कर रहे हैं। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान। 2017 तक के क्वेश्चन 2022 से हम डिस्कस भी कर चुके हैं और 2013 तक क्वेश्चंस में हम जाने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। यह एक चर्चा जो मैं शुरू में रोज आपसे कहता हूँ, यह इसलिए ताकि आपको पता रहे हम किस स्पीड से चल रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अगर पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो जरूर देख लेने चाहिए। जो शुरू में हमने सबसे पहले वेटेज दिया है सब्जेक्ट को, हमने सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से शुरू किया क्योंकि हम देखते हैं यूपीएससी के 100 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको पॉलिटी से मिलते हैं। फिर सेकंड हमने इंडियन इकोनॉमी को रखा था। इंडियन इकोनॉमी के भी 10 सालों के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के भी आपको 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। फिर हमने तीसरी बार में शुरू किया है एनवायरमेंट और ज्योग्राफी। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को जोड़ के देखें तो लगभग 25 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट, जिसमें करंट अफेयर्स ज्यादा डोमिनेंट करता है, वहां से मिलेंगे, और 7 से 8 सवाल आपको इंडियन ज्योग्राफी से या वर्ल्ड ज्योग्राफी से या मैपिंग के सेक्शन से भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट्स को लेते हुए चल रहे हैं। इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके बाद में हमारा इरादा है कि हम हिस्ट्री को शुरू करें, वहां से भी आपको 15 से 17 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो इस तरह से हम चल रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इन सब्जेक्ट्स में से, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम एनवायरमेंट की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, कहाँ से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें तैयार रखने हैं, तो इसके बारे में हर सब्जेक्ट को लेकर हमने चर्चा की है यूपीएससी प्रीलिम्स समुद्र मंथन सीरीज में। जो इसकी प्लेलिस्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स समुद्र मंथन की जो प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज वो सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें, इससे आपकी तैयारी को फायदा मिलेगा। आगे हम बात करते हैं 2016 के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में बात की गई है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? जब हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करते हैं तो हमें भारत में मोटी तौर पर 3 जगह पर खास तौर से ये देखने को मिलते हैं। जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है ना, हिमालय का जो निचला हिमालय है, खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड में, जिसे हम कहते हैं हिमालय की तलहटी, हिमालय की तलहटी, तो हिमालय की तलहटी में हमें ग्रेट हॉर्नबिल देखने को मिलता है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्वी भारत की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर भी हमें यह देखने को मिलता है। और तीसरा, क्योंकि आप देखेंगे पहाड़ियों की ऊंचाई कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती है ना, तो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये हमें ज्यादा मिलेंगे, ना कि ज्यादा हिमालयी जो ज्यादा ऊंची चोटियां हैं वहां पर हमें नहीं मिलेंगे। तो तीसरा हम देखते हैं जो पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट में भी हमें यह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल नहीं हमें मिलेंगे तो पहाड़ों पर ही, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत का या मध्य भारत वाला जो हिमालय या खासकर उत्तराखंड वाला, उसका जो तलहटी वाला इलाका है वहां हमें मिलेंगे, ना कि मरुस्थल में। जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय में, उच्चतर में नहीं निम्नतर वाले में मिलेंगे, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, और पश्चिमी घाट की हमने बात की है, पश्चिमी घाट हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले कुछ शब्द हैं और उनका मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है? एनएक्स वन कंट्री हम पढ़ते हैं, एनएक्स वन देश, एनएक्स टू देश, तो क्या हुआ है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है।
प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस क्या यह नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? स्वच्छ विकास क्रियाविधि यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और क्या यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये तीनों ही किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से, है ना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल अलग है और नागोया प्रोटोकॉल अलग है। यह CBD बायोडाइवर्सिटी वगैरह से रिलेट करते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन से रिलेट करता है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल इन तीनों के बारे में ही बात करता है। एनेक्स वन कंट्रीज की हम बात करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो उत्सर्जन ज्यादा करती हैं, है ना, और प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां भी अगर कोई देश पर्यावरण उत्सर्जन में या जीए ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में कमी करता है तो उसको सर्टिफाइड करना, यह भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही एक मैकेनिज्म है, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक बेहतर मैकेनिज्म हम कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्टाजेना और नागोया प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट में आपके कमेंट देखना चाहता हूँ कि आप नागोया और कार्टाजेना को कितना जानते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आता है? सिर्फ तीन ही हमारा सम्मिलित है और सुमेलित है। सुमेलित हमसे पूछा है तो केवल तीन यहाँ पर ऑप्शन में हमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवस्था को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण का साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर पर कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है या यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रेड प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेड प्लस, पहलों में से एक है। देखिए वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको समझने के लिए या इसको कम करने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, यानी वैश्विक नेता जो हैं वैश्विक परिदृश्य में यूएन के द्वारा भी जो UNFCCC है ना क्लाइमेट चेंज को लेकर जो समझौता है उसके द्वारा भी बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, खास तौर से पेरिस जलवायु समझौता सम्मेलन जो हुआ है उसको क्या है, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। लेकिन हम कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको मापेंगे कैसे, इसके कोई मानदंड क्या होंगे, इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि हाँ इस साल हमारा इतना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन था, अब की बार हमने थोड़ा कम किया है या उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो उसके जो मानदंड निर्धारित करने हैं उस मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक पहल की गई ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ठीक है कि जो हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं तो हम उसको मापेंगे कैसे, कौन से ऐसे मानदंड होंगे जिनके आधार पर हम रिकॉर्ड रखेंगे कि हाँ ग्रीन हाउस गैसें कम हुई है या ज्यादा हुई है उनका उत्सर्जन। तो उस उत्सर्जन के लिए जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होने वाला है इसमें यह बात करता है कि यह सरकार एवं व्यवस्था को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कोई भी देश जब बात करता है कि हम कम करेंगे तो उसी को तो समझना होगा कि कम करने के मानदंड कैसे होंगे। नेतृत्व देने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने कि यह उत्सर्जन क्या है, किस तरह से है, इसका परिमाण निर्धारित करने एवं इसको प्रबंधन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, एक मानदंड है, एक अकाउंटिंग फैसिलिटी है कि इस तरह से हम बताएंगे कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ओके, हाँ, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया डिस्कशन लेकिन मुझे लगता है समझना जरूरी था। आगे बढ़ते एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद है होगा आपको जो 1992 में सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें हमने एजेंडा 21 को
अपनाया था कि अब जो आगे, क्योंकि 1992 था और 8 सालों के अंतर्गत क्या, 8 सालों के बाद क्या आना था, 21वीं सदी शुरू हो जानी थी 2000 से। तो 21वीं सदी में पर्यावरण को लेकर हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, तो वहां पर जो एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, एक 21वीं सदी के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसको हमने नाम दिया था एजेंडा 21। ठीक है, तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है कि पर्यावरण को संधारणीय किस तरह से बनाना है, उसको लेकर एक वैश्विक परियोजना है। 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो 2002 में यह नहीं हुआ था, यह 1992 में इसकी उत्पत्ति हुई थी, हमने बात की है। तो दूसरा हमने गलत कर दिया है, पहला हमारा सही उत्तर है, ए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में, ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो UNFCCC है उसके, उसमें प्रारंभ किया गया था। तो हमें पता है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे प्रारंभ किया था 2015 के जो सम्मेलन हुआ था पेरिस जलवायु सम्मेलन में। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्तमान में IESA के कितने सदस्य देश हैं? और देखिए ये एक थोड़ा सा एक्सट्रीम नहीं चला गया, सभी सदस्य देश 2015 में ही कह रहे हैं कि सभी सदस्य देश इसके इसमें सम्मिलित है। 2016 का क्वेश्चन है, 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता हुआ है, पेरिस जलवायु समझौता, और 2016 में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स से ताजा ताजा निकाल के क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या 2016 में एक साल में पूरे 190 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे? नहीं, तो यह हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और मुझे लगता है उस समय जितनी चर्चाओं में यह रहा था और अभी भी पेरिस जलवायु समझौता जितनी चर्चाओं में रहता है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन में गिना जा सकता है। तो इसको हमने गलत कर दिया, पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचारों में लिया जाता है? तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, और इसमें 8 तरह के प्रदूषकों के बारे में मापन किया जाता है, मानक दिए जाते हैं, और उनके आधार पर हमारी एयर क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। तो आपको यह पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रदूषकों के बारे में बात की जाती है। तो अगर हो सकता है आपको यह क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन अगर आपने AQI बहुत थोड़े सी सरसरी निगाह से भी पढ़ा है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत CO2 को नहीं नापा जाता है, इसमें 8 तत्व हैं, आपको देखने को मिलेगा PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10, आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको देखने को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, आपको देखने को मिलेगा अमोनिया, लेड, है ना, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस तरह से 8 प्रदूषकों को हमने रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने नहीं रखा है। जब आप इसको एलिमिनेट करते हैं ना, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाता है 2, 3 और 4, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने रखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रखा है, और सल्फर डाइऑक्साइड को भी हमने रखा है, मीथेन को भी हमने नहीं रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 3 तो ये हो गए। फिर हम बात करते हैं PM2.5, फिर हम बात करते हैं PM10 की, 5 हो गए। ओजोन की हम बात करते हैं, ओजोन की 6 हो गए। फिर हम बात करते हैं अमोनिया, NH3 की हम बात करते हैं, और PB लेड की हम बात करते हैं, जिसे सीसा भी हम कहते हैं। तो ये 8 प्रदूषकों को हम शामिल करते हैं इसके अंतर्गत, AQI के अंतर्गत। हमारा आंसर आ चुका है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कितने सवाल आ रहे हैं, 2016 के सवाल हैं,
और पेरिस जलवायु समझौते से लेकर और UNFCCC से लेकर कितने सवाल अब तक हमने देख लिए? 7 क्वेश्चन में से मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन हम इसी से संबंधित अब तक देख चुके हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। देखिए फिर से यह थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई भाई, 2015 में हुआ है, देश डिसीजन लेंगे, कुछ देशों ने साइन कर दिए होंगे, कुछ अब करेंगे, लेकिन सभी ने तो उस वक्त फौरन नहीं कर दिए होते, तो आप इसको कॉमन सेंस से हटा सकते हो। एक को आप हटाते हो तो 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। एक स्टेटमेंट आप हटा रहे हैं तो 2 ऑप्शन हट जा रहे हैं, है ना। हाँ, यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापन की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर, जो औद्योगिक क्रांति थी, उससे पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक न होने पाए। बिल्कुल, पेरिस जलवायु समझौता जो था उसका उद्देश्य यही था कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर था उससे 21वीं सदी के अंत तक हम ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को ना बढ़ने दे, और हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हम उस टेम्परेचर वृद्धि को 1.5 डिग्री तक ही रखें। लेकिन अभी पिछले साल 2022 में जो रिपोर्ट आई थी IPCC की, उसमें कहा गया है कि हम 1.5 डिग्री तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। जो औद्योगिक स्तर से पहले का जमाना था वहां से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री तो बढ़ चुका है, और संभावना है कि इस सदी के अंत तक हम 2 डिग्री से भी ज्यादा को पार कर जाएंगे। तो यह एक चिंता का विषय है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जब पहला दूसरा तो हमें पहले भी समझ में आ रहा था, करेक्ट ही है, और यहाँ पर 3 होना चाहिए ना कि 5, है ना। हाँ, विकसित देशों में वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1,000 अरब जी नहीं, $1,000 अरब नहीं, $100 अरब की बात हुई थी, प्रतिवर्ष 2020 से $100 बिलियन की, $100 अरब के बारे में यह बात करता है, तो इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बस $100 अरब है, तो केवल दूसरा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में, गलत है, 1972 में नहीं, आपको पता होगा। देखिए 2000 में, वर्ष 2000 में हमने गोल अपनाया था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। लगभग 8 गोल्स ये थे, 8 गोल थे, और हमें इन्हें अचीव करना था 2000 से 2015 के बीच में, 2015 के बीच। जब 2015 आया तो इन गोलों की अवधि समाप्त हो गई, और कुछ गोल्स हमने अचीव किए, कुछ के नजदीक पहुंचे, कुछ को अचीव नहीं कर पाए। फिर 2015 में हमने अपनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, आपको पता है कितने हैं, 17 गोल्स हैं, और हमें कब तक अचीव करना है, 2030 तक हमें अचीव करना है, ठीक है। तो ये गोल्स थे, तो 1972 में हमने नहीं अपनाया था, हमने कब अपनाया था, 2015, ओके। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। धारणीय विकास लक्ष्य यानी SDG की बात कर रहा है, 2030 तक प्राप्त किए जाने, बिल्कुल हमने बात की 2030 तक इनको प्राप्त करना है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले को हमने गलत कर दिया है, बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, फिर से देखिए क्लाइमेट चेंज वाले सम्मेलन को लेकर कितने सारे सवाल 2016 में डायरेक्ट पूछे गए हैं। जो INDC है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भी है, है ना, INDC, हम कोई भी देश, जब ये सम्मेलन हुआ तो ये डिसाइड किया गया है कि भाई अपनी योजना बताओ कैसे कैसे करोगे, तो ये डिसाइड किया गया है कि जो भी सदस्य देश है
वह अपनी योजनाएं हमें प्रस्तुत करेगा कि आप जो अपने देशों में कार्बन उत्सर्जन को या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे वो आपकी कार्य योजना क्या होगी, आप किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। तो हर देश क्या करता है, INDC बनाता है और UN को प्रस्तुत करता है कि देखिए हम इस तरह से काम करेंगे हमारे देश में जिससे हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करें। तो INDC क्या है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज की जो कन्वेंशन, उसके लिए हर देश अपनी तरफ से एक कार्य योजना प्रस्तुत करता है कि देखिए ये परफॉर्मा है, इसके आधार पर काम करते हुए हम अपने देश में पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे, है ना। उसे हम कहते हैं INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमारा कंट्रीब्यूशन ये होगा हम विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर ये बात करता है। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन का या के क्या महत्व है, इसके क्या महत्व है। तो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए विश्व में जहां पर भी मरुस्थलीकरण में विस्तार हो रहा है उसको रोकने के लिए यह कन्वेंशन काम करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें किसी तरह की कोई खराबी हमें नजर ही नहीं आ रही, बिल्कुल एक ठीक ठाक साफ सुथरा सा स्टेटमेंट है, ये ठीक है, बात सही है जी। यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। देखिए ये बात तो ठीक है कि दक्षिण एशिया में जहां पर भी जैसे हमारे भारत में थार का मरुस्थल है वह उसमें का प्रसार हो रहा है, वहीं पर उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है वहां पर भी प्रसार हो रहा है, लेकिन सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में काम नहीं करता, विश्व में कहीं पर भी मरुस्थलीकरण की समस्या है वहां पर यह काम करता है। तो विशेष रूप से हमें कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक तो यहाँ पर हम इसको गलत कर देंगे, दूसरा जब इसकी वित्तीय संसाधनों की बात आती है तो इसका वित्तीय संसाधन क्या है, ग्लोबल यानी UNCCD को जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है उसके लिए एक फैसिलिटी बनाई हुई है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वहां से इसको वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति होती है, ना कि इसके सचिवालय से। तो इसलिए भी हम इसको गलत कर देंगे, ठीक है। जब दो को हमने गलत किया तो दो ऑप्शन हमारे हट गए, हमें पता है पहला हमारा करेक्ट है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम्स टू अप यानी निचले वाले जो एकदम जमीनी स्तर के लोग हैं जो वहां का समुदाय है उनकी भी भागीदारी बढ़ाने के लिए यह काम करता है, बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है, यह बात बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों की भागीदारी को लेकर यह काम करता है। तो पहला और तीसरा हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अपने सेशन की। क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, समाचारों में कभी कभी रहती हैं ये चीजें, और किसके मामले में उल्लिखित समुदाय हैं, आपको समुदाय दिए हुए हैं और कहां से संबंधित हैं उसके बारे में आपको बताना है। उर्द मधेसी, इसको मधेसी आप करेंगे, मधेसी ये टाइपिंग एरर है, मधेसी और रोहिंग्या, तो मुझे नहीं लगता आप रोहिंग्या को तो गलत कर सकते हैं क्या, रोहिंग्या म्यांमार से आप बिल्कुल आराम से लिंक कर देते हो, तो जब रोहिंग्या को लिंक करते हो तो तीन यहां पर है और तीन यहां पर है, आपको पता चल गया कि कुर्द तो गलत ही है, इन दो को तो आप हटा ही दोगे, है ना। अब आपको सिर्फ दूसरा देखना है, और दूसरा मधेसी भी आपको पता होना चाहिए, नेपाल से संबंधित है, कुर्द कहां से संबंधित है, कुर्द है पश्चिम एशिया से, ठीक है, तो पश्चिम एशिया से कुर्द संबंधित है ना कि बांग्लादेश से, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में आ जाता है, तो यहां पर हमारा दो और तीन बिल्कुल सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नीम आलोपित यूरिया, जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसके, देखो नीम कोटेड यूरिया लाने का सरकार के दो तीन मकसद थे। एक तो जो मृदा में जल्दी से घुल जाता है ना यूरिया, उसको थोड़े उसकी स्पीड को कम करना। दूसरा बड़ी बात, सरकार क्या करती है यूरिया वगैरह पर जो सब्सिडी देती है, और वो इसलिए देती है ताकि कृषकों को थोड़ा लाभ पहुंच सके। लेकिन इस सब्सिडी का गलत तरह से व्यवसायिक उद्देश्य में भी उपयोग किया जाता था, तो यूरिया को इस तरह से डेवलप किया गया जिसका व्यवसायिक रूप से उपयोग ना किया जा सके। नीम कोटेड यूरिया का उपयोग सिर्फ आप उर्वरक के रूप में कृषि क्षेत्र में ही करते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग किया गया था। यहाँ पर भारत में नीम कोटेड यूरिया की बात की है, तो नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसलिए हमने इसको अपनाया है। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAH की हैसियत प्रदान करता है, इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो देखिए, यह ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, हम देख रहे हैं कि आधुनिक समय में कृषि की बहुत अलग अलग तरीके, कृषि के बहुत अलग अलग प्रणालियां हमारे सामने देखने को मिल रही है। उससे क्या हो रहा है, नए तरीके आने से पुराने तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुराने तरीके ऐसे हैं जो बहुत यूनिक हैं, तो यूनिक तरीके कृषि करने के कुछ यूनिक तरीकों को बचाने के लिए कि इस आधुनिक समय में वे तरीके लुप्त ना हो जाए, उन तरीकों के संरक्षण के लिए क्या किया है FAO ने, यह प्रोग्राम चलाया था कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल कृषि करने का हेरिटेज तरीका, कृषि करने के बहुत पुराने तरीके जो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, उनके संरक्षण के लिए क्या किया है FAO ने, यह कार्यक्रम चलाया था। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके लक्ष्य क्या है, GIAHS के लक्ष्य क्या है। तो अभी निर्धारित GIAH के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। मुझे बताइए, हमने अभी बात की, इसका उद्देश्य है कि ये पुरानी कृषि प्रणालियों को संरक्षित करे, ना कि आधुनिक को बढ़ाए। तो यहाँ पर पहला तो आप गलत कर ही देंगे, और जब आप पहला गलत करते हैं तो दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं, आपको पता चलता है कि दूसरा तो सही है, हमें तीसरा देखना है। ठीक है, पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना है। यही बात हमने कही कि जो पुरानी कृषि की पद्धतियां हैं उनसे संबंधित जो परिदृश्य है उनको, उनसे क्या होगा, कृषि की जैव विविधता बढ़ेगी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान का संरक्षण होगा, जो बातें उन्हें पता है पहले से उनका संरक्षण होगा और उनका अभिनिर्धारण होगा, उनको पहचान मिलेगी। यह बात बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार अभी निर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित FAO का ये प्रोग्राम नहीं है। हाँ, FAO क्या करता है, जो यूनिक कृषि पद्धतियां होती है उनको पहचान दिलाता है, उनको संरक्षण करता है, उनके संरक्षण के लिए काम करता है, लेकिन वहां से जो फसल उगती है, पैदा होती है, उसको GI टैग देने का काम FAO का नहीं है। तो भारत में FAO ने तीन तरह के कृषि पद्धतियों को चिन्हित किया है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत में कृषि पद्धतियों में तीन पद्धतियां जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में, यहां हम देखेंगे। FAO के द्वारा तीन चीजों को भारत में
ये किया गया है। क्या है? एक तो कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है ओडिशा में, ओडिशा में खेती की जाती है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कोरापुट हो सकता है आपको इस तरह से पूछा जा सके कि कहां पर भारत में कहां कहां पर जी आई ए एच एस के बारे में बात की जा सकती है। एक सेकंड, तो हम बात करेंगे कोरापुट परंपरागत कृषि, कृषि प्रणाली कहां की? ओडिशा की, ठीक है। दूसरी हम देखेंगे कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला में। केरला में इस तरह से जो फार्मिंग जो सी लेवल है उससे भी नीचे खेती की जाती है, तो यह भी एक यूनिक प्रणाली है। तो कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला में इसको चिन्हित किया गया है। और कश्मीर में जो पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज है, यानी जम्मू कश्मीर में जो पेम्पोर केसर की खेती की जाती है, उसको भी यूनिक तरीके में जी आई ए एच एस के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हमारे भारत में यह तीन सिस्टम है जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, या अगर आपको कभी मौका मिले मेंस में लिखने का तो भी यहाँ से आपका आंसर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनता है। आइए चलते हैं वापस क्वेश्चंस पर। तो तीसरा हमने हटा दिया था, पहला हमारा हमने हटा दिया था, गलत कर दिया था, दूसरा हमारा ठीक था और तीसरा भी हमने हटा दिया था, इसलिए हमारा जो उत्तर है वह होगा केवल बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, कामेंग और लोहित। तो आप देखेंगे यह तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर से चलते हैं एक बार इमेज की तरफ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को लेकर बात करते हैं। ये ब्रह्मपुत्र का जो आपको देखने को मिलेगा हाँ सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर दिहांग, दिबांग, लोहित नदी मिलेगी, यहाँ पर आपको कामेंग भी देखने को मिलेगी। जो तीन नदियां हमें ऑप्शन में दी हुई है, दिहांग, दिबांग और कामेंग, यह तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। और उम्मीद कर रहा हूं आपके नोट्स में भारत की नदियों के इस तरह के तंत्र शामिल होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमारा आंसर होगा डी, दिबांग, कामेंग और लोहित सभी नदियां हमें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन शायद हमें आज डिस्कस करने हैं। 15वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के अंतर्गत के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं? तो हरित भारत मिशन का उद्देश्य यही है कि भारत में जो वनाच्छादन है, जो वनों का आवरण है, उसको बढ़ाना है, उसका जो कमी हो रही है उसको रोकना है, है ना, तो उसमें सुधार लाना है, यही हमारा क्या है हमारा उद्देश्य है। पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करने हेतु तद द्वारा हरित लेखाकरण ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना, इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है। तो जब पहला गलत करते हैं तो गलत हो जाता है और हमें पता चलता है कि तीसरा तो हमारा सही है, दूसरे को हमें चेक करना है। कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, यह भी इस तरह की भी कोई बात नहीं है। हमें तो भारत का जो वनावरण है, वनाच्छादन है, उसको बढ़ाना है, उसको कम होने से रोकना है, बस इतना लक्ष्य हमारा। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना, बिल्कुल ठीक है, सी हमारा सही उत्तर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? जो खराई ऊंट है यह समुद्र के जल में तैरने में सक्षम है, सही बात है, ये मैंग्रोव पर चराई करते हैं यानी मैंग्रोव वनों को खाते हैं, जो चराई करते हैं ये मैंग्रोव वनों की करते हैं, और इन्हें पालतू बनाया जा सकता है, ये वाला गलत है कि पालतू नहीं बनाया जा सकता, इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। तो एक और दो हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये पूरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है, भारत के किस भाग में खोजी गई है। तो केले की ऐसी प्रजाति जिसका गूदा नारंगी रंग का है, उसका पेड़ करीब 11 मीटर ऊंचा होता है, यह अंडमान द्वीप में खोजी गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स, लाल चंदन, अब तो आप पुष्पा देख चुके होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होना चाहिए। रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष जाति है, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत खासकर पूर्वी घाट में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है और प्राकृतिक रूप से भारत में ही मिलती है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। यहां पर ही आपको गलत कर देता है, इसकी प्रकृति वर्षा वन वाली नहीं है, इसकी प्रकृति है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वनों की, है ना, या शुष्क पर्णपाती वनों की। ये जो है उष्ण कटिबंधीय तो है लेकिन शुष्क पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन। तो बी हमारा गलत, दो स्टेटमेंट दो हमारा गलत हो जाएगा, सही हमसे पूछा है, केवल एक सही है, ए हमारा सही उत्तर इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यूएन रेड प्रोग्राम के समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। यूएन रेड क्या है, देखो रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब आपको देखने को मिलेगा रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए, हम यूएन रेड प्लस की बात कर रहे हैं, है ना, इसको इस तरह से समझिएगा। 2011 से 2015 तक यूएन के द्वारा ही एक प्रोग्राम चलाया गया रेड, है ना, इसका मतलब हुआ रिड्यूसिंग एमिशन, जो एमिशन हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है, यानी फॉरेस्ट काटने से और फॉरेस्टों की कमी होने से जो उत्सर्जन बढ़ रहा है ना उसको हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। 2015 तक यह चला, फिर 2015 के बाद में जब ये शुरू किया गया तो अब शुरू किया गया रेड प्लस। इस प्लस के अंतर्गत और आ गया कि हमें पेड़ों को कटने से तो रोकना ही है, जो पेड़ों को कटने से उत्सर्जन बढ़ रहा है उसको तो हमें दूर करना ही है, साथ में हमें क्या करनी है, जो जैव विविधता है, जैव विविधता उसकी भी रक्षा करनी है, हमें गरीबी उन्मूलन पर भी काम करना है, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी इसने अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो आपसे पूछ रहा है यूएन रेड के बारे में, इसको जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, बिल्कुल, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, यानी वन्य पारिस्थितिकी को और बढ़ाना, उसकी समुत्थानशीलता लाना और गरीबी कम करना भी इसका योगदान है, इसके योगदान के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों हमारा आंसर होगा, रेड प्लस की हम बात करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के इस सेशन का। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें
शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारे भारत का जो प्राकृतिक गैस और तेल, जो तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने एक सर्वे करवाया था कि भारत में शेल गैस है ना, शेल गैस कहाँ कहाँ पर हो सकती है, संभावित परिणाम। तो हमें देखने को मिले कि खंबात की खाड़ी में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, असम में, इन तरह के गंगा के मैदान में, यहाँ पर हमें शेल गैस के तत्व मिलते हैं, शेल गैस के भंडार मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर होगा डी, ए, दो और तीन। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, आई होप आपको पसंद आई होगी, चीजें ठीक हैं, है ना। और यहाँ पर हमने 2016 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, आगे इसके बाद हम 2015, 2014 और 2013 के क्वेश्चंस भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे और फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, अपना ख्याल रखिए और प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने का काम करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपको करनी है, थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।